हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर निशा तिवारी, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर. टुडे आई एम हियर टू टीच यू स्टूडेंट ऑफ बीएससी फोर सेमेस्टर. माय टॉपिक इज Electrochemistry Part B. During lockdown period, we miss to study the class. So, here by video teaching, we are start our lecture. As we see that in Unit 5B, EMF of the cell is started. EMF of the cell is electromotive force of the cell, which is measured by potential difference at two points of electrodes. Actually, electrochemistry is interconversion of electrical and chemical energies, as we studied in earlier lecture. Here we start with the cell, which is the device by which we use these interchanges. सेल वह साधन है जिसके द्वारा हम विद्युत और रासायनिक ऊर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं. जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेल दो प्रकार का है. पहला है विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल. जैसा कि उनका नाम है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है. जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, विद्युत अपघटनी सेल का एक रेखाचित्र बना हुआ है जिसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में दो इलेक्ट्रोड डिप्ड हैं. एक कैथोड का काम कर रहा है और दूसरा एनोड का. बैटरी के जिस पार्ट को इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं उसके अनुसार ही वो इलेक्ट्रोड्स का साइन बन जाता है. जैसे कि बैटरी के नेगेटिव पार्ट से जोड़ा गया है तो वह कैथोड है और बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जोड़ा गया है तो वह एनोड है. सिमिलर टाइप के दो इलेक्ट्रोड एक सॉल्यूशन में डिप्ड होते हैं इस तरह के सेल में. और जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसमें, तब विलयन में आयनाइजेशन होता है और उस आयनीकरण के द्वारा वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न होती है. इसलिए इसको इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, रासायनिक क्रिया होती हैं. जैसे कि क्रिया यहाँ दिखाई गई है कि कैथोड पर प्लस आयन मुक्त होते हैं और एनोड पर ऋणात्मक आयन मुक्त होते हैं. दूसरे प्रकार का हमारा सेल है विद्युत रासायनिक सेल. इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है. इसका उदाहरण है गैल्वेनिक सेल. इसे डेनियल ने सर्वप्रथम बनाया था, इसलिए इसका नाम डेनियल सेल भी है. इस सेल में इलेक्ट्रोड और कैथोड दोनों पृथक रहते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है. हम देख रहे हैं कि जो बीकर का बड़ा पार्ट है उसमें ZnSO4 लिखा हुआ है. जिंक सल्फेट में जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड है जो कि कैथोड का काम कर रहा है, और उसके सेंटर में बीच में कॉपर सल्फेट विलयन है जिसमें कि कॉपर का इलेक्ट्रोड है जो एनोड का काम कर रहा है. जैसे ही सेल अभिक्रिया शुरू होती है, क्योंकि यह विद्युत रासायनिक सेल है तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत उत्पन्न हो रही है. जिंक सल्फेट का आयनन होता है वह Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन को कॉपर ग्रहण करता है और कॉपर का अपचयन होता है. तो इसमें एक पार्ट में ऑक्सीकरण और दूसरे पार्ट में अपचयन होता है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण अपचयन सेल भी कहते हैं. जैसा कि देख रहे हैं कि एनोड पर जिंक एस मतलब सॉलिड को एस से प्रदर्शित करते हैं. यहाँ जिंक सॉलिड इक्वल्स टू Zn2+ इलेक्ट्रॉन. कैथोड पर जो रिएक्शन होती है वो
उन इलेक्ट्रॉन्स को जो जिनके द्वारा निकले हैं ग्रहण करता है, और ग्रहण करके Cu बना लेता है। कुल अभिक्रिया होती है ZnS प्लस Cu2+ इक्वल्स टू Zn2+ प्लस कॉपर। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह जिंक से कॉपर की ओर होता है, जिससे कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं कि किसी गैल्वेनिक सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, लिखते कैसे हैं आप सेल रिएक्शंस को। तो सर्वप्रथम है मेटल एंड सॉल्यूशन कांटेक्ट बाय, मतलब मेटल और धातु और विलयन का संपर्क को प्रदर्शित करने के लिए सेमी कॉलन या सिंगल वर्टिकल लाइन का उपयोग किया जाता है। Cu सेमी कॉलन Cu2+ मीन्स कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन कॉपर 2+ आयन, या Cu वर्टिकल लाइन Cu2+, दोनों में से किसी भी तरह से उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। सेकेंड लाइन में देख रहे हैं AgCl सेमी कॉलन Cl, मीन्स Ag एंड AgCl दोनों एक साथ रहते हैं और वह क्लोराइड आयन में डिप्ट रहते हैं। दूसरा है कांटेक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशन, यदि दो विलयनों के बीच संपर्क को हमको दिखाना है तो डबल वर्टिकल लाइन के द्वारा दिखाते हैं, जिसको साल्ट ब्रिज बोलते हैं। Cu2+ साल्ट ब्रिज Zn2+। तीसरा है हाफ सेल आर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड इन लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर जो सेल अभिक्रिया लिखते हैं उसमें हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं और आधी सेल रिएक्शन को दाईं ओर लिखते हैं, जिसको लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्ट में बोलते हैं LHS। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया को जनरली जो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, जिंक जिंक 2+ एंड रिडक्शन इज रिटर्न इन राइट हैंड इलेक्ट्रोड Cu2+ Cu। टोटल जिंक जिंक 2+ डबल वर्टिकल लाइन Cu2+ Cu, उस तरह से कुल रिएक्शन को इस तरह प्रकार से लिखते हैं। चौथे नंबर पे हम देख रहे हैं पोटेंशियल ऑफ सेल इन वोल्ट विद टेम्परेचर, अगर हमको उसका पोटेंशियल लिखना है टेम्परेचर के साथ में तो हम EMF और उसके नीचे लिखते हैं E 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स सेल रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, जो उसका मान होता है उसको लिखते हैं। पांचवें नंबर पे हम देख रहे हैं पोटेंशियल ऑफ सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय कंसंट्रेशन प्रेशर एंड फिजिकल स्टेट आर राइट एज प्लेटिनम S2 1 एटमॉस्फियर, अगर गैस होती है तो जी लिखते हैं, उसके दाब को प्रदर्शित करना होता है तो ब्रैकेट में 1 एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, सांद्रता को प्रदर्शित करना है तो H+A=1, ए यहाँ एक्टिविटी है जो कि सांद्रता को प्रदर्शित करती है। सिक्स नंबर पे हम देख रहे हैं SEP मीन्स इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसको SHE से भी प्रदर्शित करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे तुलना की जाती है किसी भी सेल की, जिसका कि हमको विभव निकालना होता है, कि इसको मानक मान करके दूसरे अन्य सेल के विभव की गणना करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं सेल प्रदर्शित किया गया है प्लेटिनम हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फियर सेमी कॉलन H+ Activity=1 साल्ट ब्रिज जिंक 2+ आयन Activity=1 जिंक। यहाँ SHE को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना गया और इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है, और जिंक इलेक्ट्रोड को इंडिकेटर इलेक्ट्रोड माना गया है और राइट हैंड साइड में लिखा गया है। जब हम डेनियल सेल को प्रदर्शित कर रहे थे वहाँ जिंक को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते थे क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिंक में होती थी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि EMF इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स रेफरेंस एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। साइन EMF का किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं हम देख रहे हैं
कि ई एम एफ इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, दो जो हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं सेल में उनके बीच में जो विभवांतर है उसको ई एम एफ बोलते हैं, पहले भी ये बता चुके थे। उसके साइन को प्रदर्शित करते हैं तो हम देखते हैं कि यदि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो रही हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा हो, और राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा हो, अपचयन अभिक्रिया हो रही हो, तो सेल का ई एम एफ धनात्मक होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए सेल के ई एम एफ का धनात्मक होना आवश्यक है। यदि इसका ठीक उल्टा अपन लें, इसका रिवर्स लें, तो ई एम एफ निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उस समय लेफ्ट हैंड साइड में रिडक्शन और राइट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होने लगेगा, सेल का ई एम एफ का मान नेगेटिव आएगा। जो फार्मूला होता है ई एम एफ निकालने का, ई ज़ीरो इक्वल्स टू ई जीरो ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस ई जीरो ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। जैसे कि सेल रिएक्शन लिखी हुई है, जेड एन, जेड एन टू प्लस, पैरेलल लाइन सी यू टू प्लस सी यू सेल। यहाँ दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक, जिंक टू प्लस एन इक्वल्स टू 0.763। यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए प्रश्न में हमको विभव का मान दिया है प्लस 0.763। कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल का मान दिया हुआ माइनस 0.337 वोल्ट। जब भी हम कुल सेल का ईएमएफ निकालते हैं तो हमेशा उनके रिडक्शन पोटेंशियल में अंतर का जो मान होता है वो सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। जबकि हमको जो प्रश्न दिया गया है उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन विभव दिया गया है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। जिंक का भी हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए साइन को रिवर्स कर लेते हैं। जैसे साइन प्लस 0.763 दिया है तो हम प्रश्न को हल करते समय माइनस 0.763 ले लेंगे। और इस प्रकार से देखते हैं हम कि ई ज़ीरो का मान हमारा जो है वो आ रहा है प्लस 1.100 वोल्ट, मींस सेल अभिक्रिया होगी। यदि इस सेल को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब एनोड को कैथोड और कैथोड को एनोड बना दिया जाए, जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको राइट हैंड साइड में लिया जाए और जिंक को लेफ्ट हैंड साइड में लिया जाए, तो सेल अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि ईएमएफ का मान ऋणात्मक आएगा। कुछ नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं जिससे हम इसको और समझ पाएंगे। पहला उदाहरण है, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इफ सेल इज जिंक डिप्ड इन जिंक टू प्लस एन एंड साल्वड इज एफ ई टू प्लस एफ ई। प्रश्न में दिया गया है जेड एन टू प्लस जेड एन इक्वल्स टू 0.638। देखेंगे कि स्टूडेंट यहाँ पे अंतर यह है कि ऊपर जो दिया था उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन विभव दिया था, जेड एन टू प्लस लिखा था, यहाँ जेड एन टू प्लस जेड एन लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ ऑक्सीकरण विभव का मान लिखा है। जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो उसके साइन को उल्टा कर लेंगे, इसको उल्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल हमको दिया हुआ है। हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं माइनस 0.44 माइनस 0.638 इक्वल्स टू दिस वन। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सेल अभिक्रिया होगी, नेगेटिव आएगा तो सेल अभिक्रिया नहीं होगी। दूसरे उदाहरण में हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर जिंक कॉपर सल्फेट रिएक्शन इज माइनस 212.3 किलो जूल पर मोल, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल। यहाँ मुक्त ऊर्जा का मान दिया हुआ है और सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करना है, तो हम देखते हैं कि इसके लिए एक नर्स्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थ्योरी है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। वो है डिक्रीज इन चेंज इन फ्री एनर्जी माइनस डेल्टा जी ज़ीरो बराबर होता है एन ई ज़ीरो एफ, यहाँ एन संयोजकता है, ई एम एफ है सेल का और एफ फेराडे में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा है। तो इस समीकरण से अगर ई ज़ीरो निकालते हैं तो ई ज़ीरो बराबर आ जाता है माइनस डेल्टा जी ज़ीरो अपॉन एन एफ। इसको हल करते हैं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माइनस डेल्टा जी ज़ीरो का मान कितना है, किलो जूल में दिया हुआ है, उसको जूल में करते हैं तो ये 212,300 आ जाता है। वैलेंसी ऑफ आयन 2 है, जिंक और कॉपर दोनों की वैलेंसी यहाँ 2 है,
2 × 96,500। इस प्रकार से यहाँ आंसर आता है 1.1 वोल्ट, मीन्स सेल अभिक्रिया होगी। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नर्स्ट ने अपनी थ्योरी दी थी मानक विभव के लिए। उन्होंने संबंध दिया कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में क्या संबंध है, उसके लिए समीकरण दिया था जिसे नर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए चेंज इन फ्री एनर्जी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, डेल्टा जी इक्वल्स निगेटिव। और उन्होंने कहा कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज रिलेटेड विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय वांट ऑफ आइसोथर्म। वांट ऑफ ने अपना एक रिएक्शन आइसोथर्म दिया था जिसमें उन्होंने अंतर संबंध बताया था कि मुक्त ऊर्जा और साम्यावस्था स्थिरांक कैपिटल के बीच क्या संबंध होता है। उस संबंध का उपयोग करके नर्स्ट ने अपना इक्वेशन निकाला। उनका कहना था कि वांट ऑफ इक्वेशन के अनुसार माइनस डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा जी ज़ीरो माइनस आर टी लॉग के, जहाँ माइनस डेल्टा जी डिक्रीज इन चेंज इन फ्री एनर्जी के लिए है, माइनस डेल्टा जी ज़ीरो डिक्रीज इन चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के लिए है, कैपिटल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए है, साम्यावस्था स्थिरांक के लिए है। यदि कोई अभिक्रिया ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी हो रही है तो उस अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक कैपिटल के का मान एक्टिविटी ऑफ सी इंटू एक्टिविटी ऑफ डी अपॉन एक्टिविटी ऑफ ए इंटू एक्टिविटी ऑफ बी होगा, या हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह से समीकरण दो आ गया है। अब समीकरण दो का मान एक में रखते हैं, अर्थात के का मान समीकरण एक में रखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो समीकरण है वो समीकरण तीन आ जाता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय रिवर्सिबल सेल, किसी उत्क्रमणीय सेल से किया गया जो विद्युतीय कार्य है वो बराबर होता है एन ई एफ वोल्ट के। एन यहाँ वैलेंसी ऑफ आयन है, ई विद्युत वाहक बल है, एफ फैराडे में विद्युत धारा की मात्रा है। तो इस समीकरण का उपयोग करते हुए हम निकालते हैं कि डिक्रीज इन चेंज इन फ्री एनर्जी, क्योंकि हमारा जो समीकरण है समीकरण एक जिसमें कि हमको वांट ऑफ आइसोथर्म का रिलेशन लिया गया है, वहाँ माइनस डेल्टा जी और माइनस डेल्टा जी ज़ीरो की आवश्यकता है, तो हम इस संबंध के अनुसार माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू एन ई एफ समीकरण चार और माइनस डेल्टा जी ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस एन ई ज़ीरो एफ लेते हैं और इसका मान समीकरण तीन में रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है समीकरण पाँच। समीकरण पाँच में हम देख रहे हैं कि समीकरण एक में जो डेल्टा जी था वह एन ई एफ हो गया है, जो माइनस डेल्टा जी ज़ीरो हो गया है वो माइनस डेल्टा जी ज़ीरो की जगह माइनस एन ई ज़ीरो एफ हो गया है और बाकी का टर्म एक समान है। इस समीकरण को सिंपलीफाई करने के लिए एन एफ से डिवाइड करते हैं, समीकरण सिक्स प्राप्त होता है। ई इक्वल्स टू ई ज़ीरो माइनस 0.0591 अपॉन n log एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ जो 0.0591 है वो RT अपॉन F का मान है, R का मान 1.987, T 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 लेते हैं और F का मान 96,500 कूलम। इस तरह से मान आता है 0.0591। जो भी वैलेंसी होती है हमारे रासायनिक पदार्थ की उसको n की जगह में उसको रख लेते हैं और इस प्रकार से जो हमको समीकरण प्राप्त होता है वो समीकरण कहलाता है नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समीकरण छः नर्स्ट इक्वेशन कहलाता है। अब नर्स्ट समीकरण के अध्ययन के पश्चात हम देखते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड को जब इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया जाता है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो आयन दे, आयन प्रदान करे, उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रहती है। जब भी मेटल को
मेटल सॉल्यूशन में डिप करते हैं। अब देखते हैं कि वो जो सिंगल इलेक्ट्रोड है वो दो तरह से बिहेव करता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के समान भी और रिडक्शन इलेक्ट्रोड के समान भी। अगर वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के समान काम करता है, और उस समय उस इलेक्ट्रोड को निगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड बनाते हैं। अगर जो सिंगल इलेक्ट्रोड है वह रिडक्शन रिएक्शन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो उसे एनोड बनाते हैं। इस तरह से सेल का फॉर्मेशन किया जाता है। इस प्रकार फार्मूला बनता है EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू EMF ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड माइनस EMF ऑफ सिंगल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान जीरो माना गया है, मानक विभव माना गया है, उससे अन्य सेल की तुलना की जाती है, उसका जो विभव है वो स्थायी रहता है, इसलिए EMF ऑफ सेल बराबर EMF ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड माना जाता है। मतलब हम किसी सेल को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके जब EMF निकालते हैं तो जो EMF का मान आता है वह उस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का EMF माना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के विभव को ज़ीरो माना गया है। अब हम दोनों का अध्ययन करते हैं, सिंगल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड का। सिंगल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे हम SHE के द्वारा व्यक्त करते हैं, यहाँ दिख रहे हैं हम, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाता है। सबसे पहले रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में इसका डेवलपमेंट हुआ। हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक बीकर है जिसमें कि एसिड सॉल्यूशन है। इस अम्लीय विलयन में एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर लगा हुआ है, और उसमें साइड ट्यूब से एक हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर पे भेजी जा रही है। जैसे ये सेल रिएक्शन स्टार्ट होती है, एसिड सॉल्यूशंस का आयनाइजेशन होता है और जो हाइड्रोजन गैस है वो डिसोसिएट होती है और H+ में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखी हुई है, हाफ H2 गैस इक्वल्स टू H+ प्लस इलेक्ट्रॉन। अब जब हमको सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है, मेज़र करना होता है, तो हम देखते हैं कि एक कोई इलेक्ट्रोड से उसको जोड़ते हैं, एक सेल का सेकंड पार्ट हाफ सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है और हाफ मेटल आयन होता है। अगर तो मेटल मेटल आयन साल्ट ब्रिज H+ आयन एक्टिविटी इक्वल्स टू 1 हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर प्लेटिनम। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ा गया है, लेफ्ट हैंड साइड में मेटल इलेक्ट्रोड को जोड़ा गया है। क्योंकि जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिंगल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को के पोटेंशियल को ज़ीरो माना गया है, यदि वो ज़ीरो है तो हमारा समीकरण हो जाता है EMF ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू E0 ऑफ हाइड्रोजन माइनस RT अपॉन F। F इसलिए क्योंकि N बराबर 1 है यहाँ पे, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपन बोलते थे, तो यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ H+ आयन, हमारा जो प्रोडक्ट है वो H+ है और रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में, इसलिए यहाँ पे एक्टिविटी ना लिख के PH2 हाफ लिखा है। हाफ क्योंकि समीकरण एक में देख रहे हैं हाफ हाइड्रोजन गैस भाग ले रही है, इसलिए PH2 हाफ समीकरण दो प्राप्त होता है। क्योंकि जैसा यहाँ माना गया है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बराबर ज़ीरो, इसलिए E0H2 बराबर ज़ीरो, PH2 बराबर 1, क्योंकि प्रेशर हाइड्रोजन का 1 एटमॉस्फेयर पर रखते हैं अपन, ये कंडीशन रहती है तब हम अप्लाई करते हैं। अगर PH2 हाफ बराबर 1 तो जो समीकरण दो है वो हो जाता है EH2 इक्वल्स टू माइनस RT अपॉन F लॉग एक्टिविटी ऑफ H+ आयन। PH2 हाफ बराबर 1 है इसलिए वो ख़त्म हो जाता है और हमारा ये समीकरण 3 प्राप्त होता है। यदि हमारा विलयन आदर्श विलयन है उस समय एक्टिविटी ऑफ H+ आयन बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन होता है, इसलिए समीकरण 3-4 में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे एक्टिविटी की जगह में H आयन कंसंट्रेशन को रख लिया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर यही अभिक्रिया हो रही है तो RT अपॉन F का मान यहाँ भी -0.0591 आता है और समीकरण हो जाता है -0.0591 लॉग एक्टिविटी ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन या H+ आयन कंसंट्रेशन। हम जानते हैं कि माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन बराबर pH होता है,
जो कि एसिडिटी और बेसिसिटी को मेज़र करने का साधन है, तो यहाँ पे हम मेज़र कर सकते हैं। ये समीकरण हो जाएगा E इक्वल्स टू माइनस 0.0591 pH, सॉरी प्लस 0.0591 pH, क्योंकि माइनस लॉग एच प्लस बराबर pH होता है। हम देखते हैं कि इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, इन ड्रॉबैक्स को देखते हैं अपन। कि ड्रॉबैक्स ये है कि पहला, नॉट पॉसिबल टू मेंटेन यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ ए एच प्लस आयन इन सॉल्यूशन। जो विलयन है उसमें इकाई सांद्रता हाइड्रोजन आयन की मेंटेन करना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन होती है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, उसी गति से हम मिला पाएँ ऐसा संभव नहीं है। सेकेंड है डिफ़िकल्टी टू मेंटेन फ्लो ऑफ हाइड्रोजन गैस एट वन एटमोसफियर। हमेशा ज़रूरी है इसको सेल को सेटअप करने के लिए कि हाइड्रोजन गैस वन एटमोसफियर पे प्रवाहित की जाए, जो भी पॉसिबल नहीं है। डिफ़िकल्टी होती है बहुत उसमें, बार बार चेंज हो जाती है तो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया कैलोमल इलेक्ट्रोड के द्वारा, जिसे मेंटेन करना सरल था। एक बार सेल को बना लेने के बाद में पूरी सेल रिएक्शन कंप्लीट होने तक उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या है। कैलोमल इलेक्ट्रोड भी एक तरह का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जिससे कि किसी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के मानक विभव की तुलना की जाती है। देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो भी एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगी है जिसको वो साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। इसमें सबसे नीचे मरकरी है, उसके ऊपर मर्क्यूरस क्लोराइड और मरकरी का पेस्ट है, प्लेटिनम एक वायर है जो नीचे से ऊपर तक चला गया है, और संतृप्त KCl का विलयन इसमें भरा हुआ है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अब हम देखते हैं कि यह कैलोमल इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरह के इलेक्ट्रोड के समान बिहेव करता है। यह जब आवश्यकता होती है तब इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकता है, और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के समान बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है, और रिडक्शन इलेक्ट्रोड के समान भी काम कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसको जिस सेल से जोड़ा जा रहा है वह सेल, वह जो दूसरा हाफ सेल है, उसकी टेंडेंसी कैसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो यह रिडक्शन रिएक्शन करने लगता है और इस समय यह एनोड का काम करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये कैथोड का काम करने लगता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। देखते हैं अपन रिएक्शन में, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस अकर इन दिस सेल। इसका सेटअप है मरकरी, जैसा कि वहाँ दिख रहा था हमको, HG HG2Cl2S KCl सॉल्यूशन, यह हाफ सेल है। अगर यह ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के समान बिहेव करता है तो यहाँ रिएक्शन होती है, 2HG लिक्विड इक्वल्स टू HG प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो HG2+ आयन बना है, ये HG2+ आयन दो क्लोरीन आयन से मिलता है और HG2Cl2 फॉर्म कर लेता है। 2HG टोटल नेट रिएक्शन होती है, 2HG+2Cl इक्वल्स टू HG2Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। अगर वह रिडक्शन इलेक्ट्रोड के समान काम करता है तो जो HG2Cl2 सॉलिड है वो डिसोसिएट होता है और HG2+ और 2Cl- में कन्वर्ट होता है। बना हुआ HG2+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो कि कैलोमल इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड से प्राप्त कर रहा है और HG लिक्विड बना लेता है। इसकी नेट रिएक्शन होती है, मर्क्यूरस क्लोराइड सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2HGl+2Cl-। इस तरह से हम देखते हैं कि जो रिवर्स सेल है वो रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू क्लोराइड आयन हो जाता है यदि वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड के समान काम करता है। इसका एक बेनिफिट है, कैलोमल इलेक्ट्रोड का प्रश्न भी कभी पूछा जा सकता है कि कैलोमल इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में क्यों यूज़ करते हैं और वो किस तरह से दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड के समान बिहेव कर सकता है। तो हमारा आंसर होगा कि उसको मेंटेन करना इजी रहता है,
एक बार मर्करी मर्क्यूरस क्लोराइड KCl को फिलअप करने के बाद लंबे समय तक वह कार्य कर सकता है और साथ ही आसानी से वह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड के समान बिहेव कर सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन सेल के बारे में हम पढ़ेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी किसी स्टूडेंट को तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो क्वेरी होगी, या जो गो टू मीटिंग क्लास होती है उस क्लास में अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। थैंक यू।